आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर जानेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, उसका डिफरेंट इस्तेमाल भी जानेंगे। देखिए, जहां तक सिंटैक्स की बात है तो टेक्स्ट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास होता है। पहला पैरामीटर वैल्यू है और दूसरा पैरामीटर जो कॉमा के बाद आप दोगे वो है फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट का। जैसे यहां पे मैंने कुछ नंबर्स रखे हैं और मुझे इन नंबर्स को डिस्प्ले करना है विथ लीडिंग जीरो, तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस मैं पास कर देता हूं क्योंकि इसी में वैल्यू है, कॉमा। अभी डबल कोटेशन के अंदर आपको फॉर्मेट पास करना है। अब ये फॉर्मेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कि मुझे 9 डिजिट में नंबर चाहिए, और अगर नंबर 9 डिजिट का ना हो तो लीडिंग जीरोस चाहिए। तो मैं यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो देके डबल कोटेशन बंद करता हूं और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटरप्रेस करता हूं, देखो आपके सामने ये जो नंबर है ये 9 डिजिट के फॉर्म में आ चुके हैं। अभी मैं इसको सारे सेल्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी दबाता हूं, सारे नंबर्स आपके लीडिंग जीरोस के साथ आ चुके हैं। यहां पे मैंने 9 डिजिट का नंबर रिप्रेजेंट करना चाहा। अगर आप 8 डिजिट का चाहोगे तो आप 8 डिजिट भी 8 टाइम्स 0 डालो और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर दो, 8 डिजिट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि यहां पे जो नंबर आए इस वाले कॉलम में वो कुछ अलग फॉर्मेट में आए, तो आपको लिखना होगा इक्वल्स टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस सेल का आप रेफरेंस डालोगे वैल्यू के जगह पे, कॉमा। आपको क्या चाहिए भाई, तो आपको $3 आपने दिया, फिर कॉमा सेपरेटर की तरह यूज किया, उसके बाद फिर $3 दिया, पॉइंट, और उसके बाद 000 पॉइंट में आपको डेसिमल के बाद 3 जीरो चाहिए, डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद और इंटर। जैसे ही आप ऐसा करोगे देखो आपके सामने ये जो नंबर है ये दिए गए फॉर्मेट में आ गया। अब आपको डाउनवर्ड्स सेल को सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, सारा फॉर्मूला आपका कॉपी हो गया। बहुत आसान सा इस्तेमाल है। तो इस तरह से टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पे कुछ डेट्स आपके सामने रखे हुए हैं और आपको कहा जाता है कि इन डेट्स में से आपको ईयर निकालना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा इक्वल्स टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर रेफरेंस को पास करना होगा जो कि C4 है, कॉमा। अभी डबल कोटेशन के अंदर अगर आप 2 बार वाई देते हो और ब्रैकेट बंद करते हो, देखो ईयर का 2 ही डिजिट आपके सामने आया। अगर आप 3 बार वाई देते हो तो 4 डिजिट आ गया। आपको करना क्या है, या आप 4 बार भी वाई दे देते हो तो ये 4 डिजिट आ गया। अब आपको सिंपली सारे सेल्स को नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, सारे सेल्स में ईयर आ चुके हैं। अभी अगर आपको मंथ्स चाहिए तो आपको लिखना है इक्वल्स टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेल रेफरेंस आपने पास किया, कॉमा। मंथ के लिए अगर आप सिंगल एम डालते हो तो देखो यहां पे मंथ में जो है वो डिजिट में आ रहा है ना 12। अगर यहां पे बहुत ध्यान से समझोगे, अगर आप डबल एम डाल देते हो, 2 दफा आप एम डालते हो तो ये जो मंथ है ये डिजिट में ही आ रहा है। 3 दफा अगर आप MMM लिख देते हो तो देखो ये 3 डिजिट के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। और इसी तरह से अगर आप 4 दफा एम डाल देते हो ना तो ये देखो आपके सामने जो मंथ है वो उसका जो फुल नेम है ना वो आ गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल डी से डाउनवर्ड्स इसको फिल कर लेना है। तो यहां पे आप मंथ के लिए सिंगल एम दोगे, डबल एम दोगे, ट्रिपल एम दोगे या 4 दफा एम दोगे, ये आपकी अपनी च्वाइस होती है। उसी तरह से अगर डे निकालने के लिए कहा जाए तो इक्वल्स टेक्स्ट C4 सेल रेफरेंस है, कॉमा डबल कोटेशन। अभी डे के लिए मैं चाहूं तो सिंगल डी भी पास कर सकता हूं, ब्रैकेट बंद, सिंगल डिजिट में आपका डे आ गया। अगर आप 2 दफा डी डालते हो तो डबल डिजिट में आपका डी आ गया। अगर आप 3 दफा डी डालते हो तो देखो ये डे जो है ना वो उसका वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके पहला 3 कैरेक्टर आ गया। और अगर आप 4 दफा डी डाल देते हो तो देखो ये पूरा का पूरा दिन का जो नाम है ना वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अभी आपको इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देना है, सारे सेल्स में जो है वो दिन आ चुके हैं। तो यहां पे भी कितनी दफा आप डी यूज करोगे ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी मैं चाहता हूं यहां पे इक्वल्स टेक्स्ट, अभी C4 में जो डेट है ना आप इसको कन्वर्ट करो डबल कोटेशन। कैसे कन्वर्ट करो, तो मैं चाहता हूं कि पहले डे आए, ओके, उसके बाद जो है मंथ आना चाहिए, तो मंथ भी जो है वो 4 पूरा का पूरा महीने का नाम आना चाहिए, कॉमा, सपोज वाई 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 ऐसा आपने लिख दिया, डबल कोटेशन बंद, इंटर। अभी देखो सैटरडे,
दिसंबर 1998 ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आप इसको चाहते हो कि यही रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे डे भी आना चाहिए था, तो आप यहाँ पे दो डिजिट का डे आना चाहिए था, तो स्पेस देके आप यहाँ पे दो बार डी दे दो। अभी देखो आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेट इस फॉर्मेट में आ चुका है। अभी आपको करना क्या है, इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देना है, ऐसा कुछ आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि डेट के साथ जो है वो मैसेज भी आ जाए, तो आप यहाँ लिखोगे इक्वल्स टेक्स्ट। अभी देखो ध्यान से, अगर आप इक्वल्स टेक्स्ट लिखते हो और यहाँ पे C4 कॉमा सेम मैसेज सेम फॉर्मेट में आप चाहते हो कि भाई जो आपका दिन है ना वो चार डिजिट का चार डी आपने दिया ताकि वो फुल डे आए, कॉमा फिर दो डी दिया, कॉमा MMMM दिया और YYY दिया। अभी ऐसा करके आप लिखते हो तो देखो ये सैटरडे 5 दिसंबर 1998 आ रहा है। सपोज आप ये चाहते हो कि यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाए कि टुडे या कुछ भी डेट इज और ऐसा करके कनकटनेशन ऑपरेटर आप लगा दो। देखो ये जो है ना, अभी मैं इसको ऑटो फिट कर दे रहा हूं। अभी देखो यहां पे क्या आ रहा है, डेट इज सैटरडे 5 दिसंबर 1998। आप चाहते हो कि ठीक है ये तो हो गया, आप यहां पे अगर कनकटनेट फंक्शन भी पास कराना चाहते हो तो कर सकते हो। आप कनकटनेशन ऑपरेटर की जगह कनकटनेट लिखो डेट इज और यहां से ये कनकटनेशन ऑपरेटर हटाओ, कॉमा और लास्ट में यहाँ पे एक ब्रैकेट कनकटनेट फंक्शन का लगा दो, आपका सेम आउटपुट है। सिमिलरली नीचे की तरफ जाके कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, ये डेट आपका आ गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी दिए गए डेट से ईयर मंथ डे भी निकाल सकते हो और मैसेज के साथ या विदाउट मैसेज आप न्यू फॉर्मेट में डेट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे आपके सामने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं कंट्री कोड के साथ। आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर कैसे चाहिए, देखो यहाँ पे आपने लिखा टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, वैल्यू इस पर्टिकुलर सेल में है, आपने इस सेल का रेफरेंस दिया, कॉमा डबल कोटेशन। अभी आप चाहते हो ना कि कंट्री कोड जो कि दो डिजिट का होता है वो ब्रैकेट में आए, तो दो दफा आपको हैज सिंबल दे देना है, ब्रैकेट को बंद करना है, उसके बाद स्पेस। अभी बचा हुआ जो 9 डिजिट है, चूंकि मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ 11 डिजिट का होता है, तो बचा हुआ जो कंट्री जो टेलीफोन नंबर है या मोबाइल नंबर है उसमें 3 डिजिट एक साथ आए, स्पेस, 3 डिजिट अगले ग्रुप में आए, स्पेस, और बाकी का जो 3 डिजिट है वो अगले ग्रुप में आए, डबल कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद, इंटर, ऐसा कुछ आ गया। आप चाहते हो कि भाई यहां पे प्लस भी आना चाहिए था, तो आप यहां पे एक प्लस लगाओ, आप ऐसा कर दो, ये देखो प्लस के साथ आ रहा है, शिफ्ट के साथ डाउनवर्ड्स सेलेक्ट कर लो सेल्स को और कंट्रोल डी, ये आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरह से एक्सेल के अंदर आप टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को आसानी से अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टेक्स्ट फंक्शन समझ में आया होगा, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी समझ में आया होगा, सिंटैक्स क्या है ये भी पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी मैं अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।